हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी. आज हम क्लास 10 की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज चैप्टर 7, द नेकलेस, रिटन बाय गी डे मॉपसॉन. ये जो स्टोरी है द नेकलेस, ये स्टोरी है मटिल्डा लुइजेल की. मटिल्डा लुइजेल एक बहुत ही एम्बिशियस वुमन है. वो बहुत सारी चीज़ें पाना चाहती है, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं. तो एक दिन ऐसा होता है कि उसे एक पार्टी में जाना होता है जिसके लिए उसके पास रिक्वायर्ड ड्रेस और ज्वेलरी नहीं होती. तो वो ज्वेलरी अरेंज करती है अपनी फ्रेंड से बोरो करके. बाई चांस पार्टी में उससे वो नेकलेस गुम जाता है और मटिल्डा कितना सफ़र करती है अपनी फ्रेंड का नेकलेस वापस करने के लिए. और मटिल्डा की स्टोरी से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट सीख मिलेगी, वो है कि हमें भी अपनी ही दायरे में रहना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए, और उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते करते ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट अस बिगिन द स्टोरी. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ दो एन एरर ऑफ डेस्टिनी इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. शी यहां पर कौन है? मटिल्डा. अब मटिल्डा बहुत ही सुंदर थी और ऐसा लगता था कि उसकी किस्मत में कोई एरर हो गया है. एरर मींस अ मिस्टेक, क्योंकि वो बॉर्न हुई थी क्लर्क्स की फैमिली में. क्लर्क्स यानी कि ऐसे लोग जो कि ऑफिस में काम करते हैं, हु बिलोंग टू द मिडिल क्लास. लेकिन मटिल्डा ऐसी नहीं थी, इसीलिए यहां पर राइटर कह रहे हैं कि उसका इस फैमिली में पैदा होना एक एरर के जैसा था. She had no dowry, no hopes, no mean of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. मटिल्डा एक बहुत ही पुअर फैमिली में बॉर्न हुई थी, इसलिए उनके पास उसे देने के लिए दहेज नहीं था. उसके पास कोई होप्स नहीं थी, यानी कि कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके थ्रू वो एक अमीर या फिर नोन फेमस मैन से शादी कर सके या ऐसा कोई आदमी उसे प्यार कर सके. इसीलिए फाइनली मटिल्डा ने एक पेटी यानी के स्मॉल छोटे से क्लर्क के साथ शादी कर ली और वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता था. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. अब मटिल्डा की लाइफ बहुत ही सिंपल थी और वो उस जिंदगी से ना खुश थी. शी सफर्ड इंसेसेंटली फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. Incessantly means continuously, delicacies means fineness and luxuries means richness. Delicacies yani ke fineness means har wo cheez jo bahut hi nazuk, bahut hi badhiya hoti hai. Ab Matilda bahut dukhi rehti thi, har waqt dukhi rehti thi, kyunki har samay wo ye sochti rehti thi ki use zindagi ki sabse achhi cheezein jo available hain, sari jo luxuries hain, wo sab milni chahiye. लेकिन उसका जो सोशल स्टेटस था, उसके पास जो मनी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी. उसका हस्बैंड एक क्लर्क लगा हुआ था जिसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी. इस वजह से मटिल्डा नाखुश थी. शी सफर्ड फ्रॉम द पावर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. अपार्टमेंट इज अ फ्लैट, जैसे कि लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं वहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, उसे अपार्टमेंट भी कहते हैं. Shabby means dirty and worn means used and torn. जब कोई चीज़ बहुत देर तक use की जाए तो वो घिस जाती है, फट जाती है, that is worn. अब मटिल्डा को अपना apartment अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो भी बहुत ही गंदा सा था. इतना rich और इतना luxurious नहीं था. सारी दीवारें गंदी थी, उन पे paint नहीं हुआ हुआ था. जो chairs थी वो भी फटी पुरानी थी. और इन सब चीज़ों को देखकर मटिल्डा को टॉर्चर्ड फील होता था. उसे बहुत ज़्यादा मेंटल एगनी और मेंटल डिस्कम्फर्ट होता था और गुस्सा भी आता था. When she seated herself for dinner opposite her husband who uncovered the tureen with a delighted air saying, Oh, the good pot pie, I know nothing better than that. Tureen is the serving bowl and delighted means to be glad and happy. जब भी मटिल्डा डिनर सर्व करती थी तो उसके हस्बैंड जब सर्विंग बाउल खोलते थे तो बहुत ही खुश हो जाते थे और कहते थे, अरे वाह, पॉट पाई बनी है,
मे को तो इससे ज्यादा अच्छी चीज पता ही नहीं है. लेकिन ऑन द अदर हैंड मटिल्डा क्या करती थी, शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्विजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेस. एलिगेंट मीन्स ग्रेसफुल, एक्सक्विजिट मीन्स लवली, एंड मार्वेलस मीन्स अमेजिंग. अब जब उसका हस्बैंड उसका ले किया हुआ डिनर इंजॉय कर रहा होता था, मटिल्डा क्या सोच रही होती थी, वो इमेजिन कर रही होती थी कि वो कहीं बैठी है, सिल्वर वेयर है यानी कि चांदी के बर्तन हैं जो कि चमक रहे हैं, उनमें खाना सर्व किया गया है और एक बहुत ही रोमांटिक और रिच सेटिंग है, ऐसा मटिल्डा इमेजिन करती थी. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. अब मटिल्डा के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना तो गहने थे, कुछ भी नहीं था और उसे इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था. तो अब तक जो कुछ हमें मटिल्डा के बारे में पता चला है उससे हमें ये पता चलता है कि मटिल्डा मटीरियलिस्टिक वुमन थी, उसे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का शौक था, लेकिन उसके ये शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुई और फाइनली उसकी शादी भी एक मिडिल क्लास क्लर्क से हुई. She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. Despair means distress, dukhi hona, and disappointment means to be upset. अब जब मटिल्डा स्कूल में पढ़ती थी, वो एक कॉन्वेंट स्कूल में थी और उस टाइम की उसकी एक बहुत ही अमीर दोस्त थी, लेकिन मटिल्डा उसे मिलने नहीं जाती थी क्योंकि जब वो वापस आती थी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी, वो दुखी हो जाती थी ये देखकर कि उसकी फ्रेंड के पास इतना कुछ है, वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रही है, लेकिन मटिल्डा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत अपसेट रहती थी और इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड को मिलना छोड़ दिया. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न्ड एलेटेड बेयरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज एनवेलप. हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू. Elated means happy. अब एक शाम उसके हस्बैंड घर आए, बहुत ही खुश थे, उनके हाथ में एक बहुत बड़ा सा एनवेलप था और उन्होंने वो एनवेलप मटिल्डा को दिया और कहा कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instruction and Madame George Ramponio asked the honor of M and MME Luzel's company. Monday evening, January 18, at the minister's residence. अब मटिल्डा ने एनवेलप में से एक कार्ड निकाला जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था? पब्लिक इंस्ट्रक्शन के मिनिस्टर और मादेम जॉर्ज रैम्पोनी ने मिस्टर एंड मैडम लुजेल को अपने घर मंडे शाम को यानी कि 18 जनवरी को डिनर के लिए इनवाइट किया है. तो ये एक इनविटेशन कार्ड था जो कि उसके हस्बैंड को ऑफिस से मिला था. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" Delighted means happy, spitefully means with hatred, murmuring means whispering. अब मटिल्डा का क्या रिएक्शन था उसके हस्बैंड के एकदम ऑपोजिट. उसके हस्बैंड तो बहुत खुश था, वो सोच रहा था कि मटिल्डा भी इस इन्विटेशन को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन वो खुश नहीं थी. उसने इस इनविटेशन कार्ड को नफरत के साथ घेर दिया और फिर उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, मैं इस इनविटेशन कार्ड का क्या करूं? बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी. यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. फाइन मीन्स गुड. अब मटिल्डा के हस्बैंड ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम खुश हो जाओगी क्योंकि तुम्हें बाहर जाना अच्छा लगता है, लेकिन तुम कभी जा नहीं पाती और ये एक ऐसा अवसर है कि हम बाहर जा पाएं और अच्छे अच्छे लोगों को मिल पाएं. एवरीबॉडी विशेस वन एंड इट इज वेरी सिलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज. यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर. फर्दर वो कहता है कि मेरे दफ्तर में सब लोग चाहते थे कि उन्हें ये इन्विटेशन कार्ड मिले, लेकिन कई लोगों को, गिने चुने लोगों को ही ये इन्विटेशन कार्ड मिला है और वहां पर सारा ऑफिशियल वर्ल्ड होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा. She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" Irritated means angered and impatiently means angrily. अब मटिल्डा बहुत ही गुस्से से अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी जगह पर जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं वहां पर क्या पहनूंगी?
He had not thought of that. He stammered, "Why, the dress you wear when we go to the theater. It seems very pretty to me." Stammered means he fumbled. अब उसे बोलने में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि वो घबरा गया था. मटिल्डा के हस्बैंड ने सोचा था कि वो उसे ऐसा सवाल पूछेगी, इसलिए उसने स्टैम्बर करते हुए उसे कहा कि जो ड्रेस तुम थिएटर पहन के जाती हो वो बहुत सुंदर लगती है, तुम वही ड्रेस पहन लेना. He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब मटिल्डा रोने लग गई थी. Stupefied means to be stunned and dismay means shock. उसका हस्बैंड बेचारा शॉक्ड था और वो बहुत ज़्यादा हैरान था. मटिल्डा रो रही थी और उसने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your card to some colleague whose wife is better fitted out than I. Violent means strong, बहुत जोर से. Vexation means irritation. Responded means reply. और यहाँ पर हमें मटिल्डा का रिएक्शन बताया गया है. मटिल्डा ने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफर्ट किया, अपनी वॉइस को नॉर्मल किया, अपने आंसुओं को पोंछा और फिर उसने अपने हस्बैंड को जवाब दिया कि नहीं, कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैटर सिर्फ ये है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकती. ये कार्ड अपने किसी कोलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास अच्छी ड्रेस होगी और वो इस पार्टी में जाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है. बेटर फिटेड आउट देन आई का मतलब है कि उसके पास ऐसी अच्छी ड्रेस है, ऐसी अच्छी ज्वेलरी है जिसे पहनकर वो पार्टी के लिए सूटेबल रहेगी, उसे ही ये इन्विटेशन कार्ड दे दो. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." Costume is a dress. उसका हस्बैंड बहुत दुखी था. उसने मटिल्डा को कहा कि ऐसे मत बोलो, मुझे ये बताओ कि पार्टी में पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस का क्या कॉस्ट रहेगा, एक ऐसी ड्रेस जो कि सिंपल हो जिसे तुम और ओकेजन्स पे भी पहन सको. She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Reflected means thought and economical means low budget. अब मटिल्डा ने थोड़ा सा टाइम लगाया सोचने के लिए क्योंकि वो ऐसा अमाउंट बोलना चाहती थी जिसकी वजह से ना तो उसका हस्बैंड फ्लैटली उसे मना कर दे ड्रेस लेने से और ऐसा भी ना हो कि वो इतना ज़्यादा डर जाए क्योंकि उसे पता था कि उसके पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं. इसलिए मटिल्डा सोच रही थी कि उसे अपनी ड्रेस की कॉस्ट इतनी बतानी चाहिए जितनी कि उसके हस्बैंड अफोर्ड कर सके और उसे दिला दें. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." Hesitating means unsure. And francs is a French currency. तो फ्रांस की जो करेंसी है that is francs. तो मटिल्डा ने घबराते हुए अपने हस्बैंड को कहा कि मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती पर मुझे ऐसा लगता है कि 400 francs में मेरी ड्रेस आ जाएगी. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Lark is a type of a bird. Pale means to turn colorless. अब ये सुन के मटिल्डा के हस्बैंड का फेस पेल हो गया, फीका पड़ गया क्योंकि उसने 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे एक गन खरीदने के लिए. उसने प्लान किया था कि वो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शूटिंग करने जाया करेगा और इस वजह से उसे गन चाहिए होगी. गन खरीदने के लिए उसने 400 फ्रैंक्स जोड़ कर रखे हुए थे और अब उसे वो पैसे मटिल्डा की ड्रेस पर खर्चने पड़ते. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." अब बेचारे ने अपनी गन के प्लान को कैंसिल कर दिया और मटिल्डा को कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 francs दे दूंगा और उनसे तुम एक सुंदर सी ड्रेस बनवा लो. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. अब पार्टी का दिन आने ही वाला था लेकिन मटिल्डा फिर से दुखी थी.
उसकी ड्रेस तो तैयार हो गई थी, तो अब उसके दुखी होने का क्या रीजन था? Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." Matilda के हस्बैंड ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम पिछले 2-3 दिन से अजीब सा बिहेव कर रही हो. And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party." Vexed means to be annoyed, adorn means to decorate, and poverty-stricken means to be poor. Matilda ने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ज्वेल्स नहीं है अपने आप को सजाने के लिए. ऐसे तो ऐसे लगेगा कि मैं बड़ी गरीब सी हूँ, और ऐसे लुक से अच्छा तो यही है कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ. तो जब उसको ड्रेस मिल गई तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, उसके पास ज्वेल्स नहीं है. He replied, "You can wear some natural flowers in this season. They look very chic. Chic means elegant and fashionable." तो मटिल्डा के हस्बैंड ने सजेस्ट किया कि तुम फ्लावर्स पहन लो. फ्लावर्स की ज्वेलरी बहुत एलिगेंट और फैशनेबल लगती है. She was not convinced. "No," she replied. "There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women." Convinced means satisfied and humiliating means insulting. Matilda अपने हस्बैंड की एडवाइस से सैटिस्फाइड नहीं थी. उसने उसे कहा कि नहीं, इतनी सारी अमीर वुमेन के बीच में ऐसे गरीब से तरह में तैयार होकर जाने एक बहुत ही इंसल्ट वाली बात है, और इससे ज्यादा इंसल्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता. Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, Madame Forestier, and ask her to lend you her jewels." She uttered a cry of joy. "It is true," she said. "I had not thought of that." अब एकदम से मटिल्डा के हस्बैंड को एक आइडिया आता है. वो उन्हें कहता है कि तुम जाओ अपनी फ्रेंड एमएम फॉरेस्टियर के पास जाओ. मैडम फॉरेस्टियर को कहो कि उनके ज्वेल्स जो है वो तुम्हें लेंड कर देंगी, बोरो कर देंगी, ताकि तुम पार्टी में पहन सको. ये आइडिया सुन के मटिल्डा बहुत खुश हो गई. वो जोर से चिल्लाने लग गई, कहती, हाँ ये बात तो सही है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose, my dear." Distress means pain. अगले दिन मटिल्डा अपनी फ्रेंड के घर गई. उसने उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई, और उसकी फ्रेंड ने बड़े ही अच्छे से उसकी इस बात को वेलकम किया. उसने अपनी सारी ज्वेलरी के बॉक्सेस लाकर उसके सामने खोल दिए और कहा कि लो, इसमें से जो तुम्हें पहनना है वो ले लो. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. Venetian means Venice style. एक typical style है jewelry बनाने का, जिसे कि Venetian style कहते हैं, जो कि Venice से inspired है. Venice is the name of a city. Admirable means notable, and workmanship is the craft, यानी कि कितने अच्छे से वो बनाए हुए थे. पहले तो मटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट्स देखे, फिर उसने देखा कि पर्ल्स का एक कॉलर यानी कि गले में पहनने वाला ज्वेलरी का पीस बना हुआ है जो कि वेनिस स्टाइल से इंस्पायर्ड था. फिर उसने देखा कि गोल्ड और ज्वेल्स का बना हुआ एक क्रॉस भी पड़ा है जिसकी वर्कमैनशिप बहुत ही अच्छी है. तो ऐसे अलग अलग तरह की ज्वेलरी थी मैडम फॉरेस्टियर के पास. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, but could neither decide to take them nor leave them. Matilda ne alag alag cheeze pehenkar apne aap ko mirror mein dekha. Use wo sab achhi to lag rahi thi, lekin wo reluctant thi. Na to wo unhe le sak rahi thi, na wo unhe chhod pa rahi thi. Then she asked, "Have you nothing more?" "Why, yes, look for yourself. I do not know what will please you." मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ भी है, तो उसकी फ्रेंड ने उसके सामने सारी ज्वेलरी रख दी और कह दिया कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, खुद ही देख लो और जो तुम्हें पसंद है वो ले लो. Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Trembled means shake and ecstatic means joyful. अचानक से मटिल्डा की नजर एक हीरों के हार पर गई. उसके हाथ उसे पकड़ते वक्त कांप रहे थे. उसने उस नेकलेस को अपने गले में लगाया और अपनी ड्रेस के साथ उसे पहनकर देखा,
और वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसे वो नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा था. Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this? Only this? Why? Yes, certainly." तो बहुत ही घबराते हुए मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम मुझे अपना ये नेकलेस दे सकती हो? और उसने कहा, हाँ, बिल्कुल. She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. Embraced means hugged her. Passion means दिल से. वो इतनी थैंकफुल थी. एंड ट्रेजर हियर रेफर्स टू द नेकलेस. ये नेकलेस को ट्रेजर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मटिल्डा के लिए ये नेकलेस बहुत ही प्रेशियस है. मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड को गले से लगाया, उसे थैंक्स किया और फिर ये नेकलेस लेकर वो चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम ल्यूज़ेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. ऑल द मेन नोटिस्ड हर, asked her name and wanted to be presented. Elegant means stylish, gracious means polite and looking good and decent. Presented means they wanted to meet her. अब पार्टी वाले दिन मटिल्डा बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, उसकी ज्वेलरी मैच कर रही थी और वो बहुत ग्रेसफुल लग रही थी. वो खुश थी और सब आदमी उसे देख रहे थे, सब उसका नाम पूछ रहे थे और उससे मिलना चाहते थे. सो शी वॉज वेरी हैप्पी. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिरेशन, दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. एंथुजियाज्म मीन्स टू हैव हाई स्पिरिट. इंटॉक्सिकेटेड मीन्स टू लूज कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ. जैसे कि जब कोई नशे में होता है वो इंटॉक्सिकेटेड होता है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता. Pleasure means joy, victory means success. Madame Luzel इतनी खुश थी, वो खुशी से नाच रही थी, उसका अपने ऊपर से कंट्रोल हट गया था क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खुश थी. और बहुत देर के बाद उसने ऐसा एक मौका एक्सपीरियंस किया था जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी और इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सक्सेस मिल गया है. She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. Saloon is a room. अब दोनों अपने घर सुबह के 4 बजे गए, तो इतनी लेट तक उनकी पार्टी चलती रही. आधी रात से ही उसके हस्बैंड एक रूम में सो रहे थे, वहां पे 3 और आदमी भी सो रहे थे और उनकी वाइफ्स आपस में गप्पे लड़ा रही थी और पार्टी एंजॉय कर रही थी. तो पार्टी कितनी देर तक चली. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. Modest means cheap. एक ऐसी चीज जो कि सस्ती सी हो, दिखने में ज्यादा अच्छी ना हो. And wrap is a shrug or a cover which you wear on top of your dress. जब वो लोग घर जा रहे थे तो मैडम ल्यूज़ेल के हस्बैंड ने उनके शोल्डर्स के ऊपर उनका रैप डाल दिया, जो कि दिखने में इतना अच्छा नहीं था और उनकी प्यारी सी बॉल वाली जो ड्रेस थी उसके साथ मैच नहीं कर रहा था, उसके अगेंस्ट था, उसे क्लैश कर रहा था. शी विश्ड टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स. अब पार्टी में जो बाकी की औरतें आई हुई थी उनके पास तो रैप्स यानी कि जो पहनने वाले कवर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, फर के बने हुए थे, सुंदर सुंदर. इसलिए मैडम ल्यूज़ेल ये चाहती थी कि कोई भी उन्हें उनके खटिया से रैप में ना देख ले और इसलिए जैसे ही उन्होंने रैप पहना वो जल्दी में वहां से चली गई. ल्यूज़ेल डिटेन्ड हर. वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. अब मैडम ल्यूज़ेल के हस्बैंड ने उन्हें रोक लिया और कहा कि रुक जाओ, मैं एक कैब यानी कि टैक्सी बुलाऊंगा, हम उसमें घर चलेंगे. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. Carriage is a cart which is pulled by a horse. Hailing means calling. Coachman is the person who drives this horse cart. Madame Ruzelle ne apne husband ki baat nahi suni, wo fatafat seedhiyan utar ke niche chali gayi aur jab wo street mein pahunch gayi to wahan par koi bhi carriage nahi thi jiske through wo apne ghar pahunch sake. इसीलिए वो अलग अलग कोचमैन को आवाजें लगाने लग गए क्योंकि उन्हें घर तक की राइड चाहिए थी.
They walked along toward the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. अब जैसे कि 4 बजे का टाइम था सुबह के, वहाँ पे कोई भी कैरेजेस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए दोनों चलते गए नदी की तरफ, और दोनों ही होपलेस थे क्योंकि उन्हें कोई राइड नहीं मिल रही थी और दोनों ठंड की वजह से कांप भी रहे थे। फाइनली उन्हें एक पुरानी सी कैरेज मिली जो कि पेरिस में रात के समय देखने को मिलती। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock। वेयरली मीन्स टायर्ड। अब इस कैरेज ने उन्हें उनके अपार्टमेंट की सीढ़ियों तक ड्रॉप कर दिया। दोनों बहुत ही थके हुए थे, सीढ़ियां चढ़ के वे अपने अपार्टमेंट में गए। मैडम लुजेल तो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो जाकर सो गई, लेकिन उनके हस्बैंड को ये याद था कि अगले दिन सुबह 10 बजे उन्हें ऑफिस पहुंचना है और इसलिए उन्हें जल्दी उठना होगा। शी रिमूव्ड द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी। सडनली शी अटर्ड अ क्राई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। Uttered means make a sound of some. Glory means सुंदरता। Madame Luzelle ने अपना dress change करने से पहले एक बार finally अपने आप को mirror में देखा। उन्होंने अपना wrap उतार दिया और अपनी dress को admire किया। लेकिन जैसे ही उनकी नजर अपने गले पर गई, वो जोर से चिल्ला उठी क्योंकि उनका necklace उनके गले में नहीं था। Luzelle already half undressed asked, "What's the matter?" अब उनके हस्बैंड भी ड्रेस चेंज कर रहे थे, उन्होंने आधी ड्रेस चेंज कर ली थी और उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या बात है? She turned towards him excitedly. I no longer have Madame Forestier's necklace. अब बेचारी मटिल्डा घबराई हुई थी, उसने कहा कि मेरे पास मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। He arose in dismay. What? How is that? It's not possible. Arose means He spoke up in dismay. Dismay means alarm. अब उसका हस्बैंड भी एकदम घबरा गया और उसने कहा क्या ऐसा नहीं हो सकता? And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. Cloak is the wrap. अब उन्होंने हर जगह नेकलेस को ढूंढा। मैडम लुजेल की ड्रेस में, उसके रैप की फोल्ड्स में, उसकी पॉकेट्स में, हर जगह नेकलेस को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं था। He asked, "You are sure you still had it when you left the minister's house?" "Yes, I felt it as we came out." तो उसका हस्बैंड अब ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि इसका नेकलेस कब गिरा होगा, इसलिए वो उससे पूछता है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा, जब हम बाहर निकले, क्या तब नेकलेस तुम्हारे पास था? तो मटिल्डा ने कहा कि हाँ, मैंने तब नेकलेस फील किया था, वो मेरे पास ही था। But If you had lost it in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. Finally, उसके हस्बैंड ने कहा कि अगर वो स्ट्रीट में गिरता तो हमें आवाज आती। इसका मतलब है कि वो नेकलेस कैब में गिरा है। Yes, it is possible. Did you take the number? No. And you? Did you notice what it was? No. मटिल्डा ने कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा नेकलेस कैब में गिरा हो। तो उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था? उसने कहा नहीं। और उसने मटिल्डा से पूछा कि क्या तुमने नोटिस किया था उसका नंबर? उसने भी कहा नहीं। तो दोनों को कैब का नंबर नहीं पता था, तो वो किसी भी कैब में चेक नहीं कर सकते थे कि क्या उनका नेकलेस वहां पर है या नहीं। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन। फाइनली लुजेल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन। Cast down means dejected, feeling very sad and low. दोनों बहुत ही दुखी थे और निराश थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और लुजेल ने एक बार फिर से अपनी ड्रेस वापस पहनी। I am going, he said, over the track where we went on foot to see if I can find it. उसने कहा कि मैं वापस उसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ हम पैदल चल रहे थे, और मैं सारा रास्ता चलकर जाऊंगा और देखूंगा अगर मुझे नेकलेस कहीं पर गिरा हुआ मिल गया। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. Force is the strength. अब उसका हस्बैंड तो नेकलेस ढूंढने के लिए चला गया, मटिल्डा अपने इवनिंग गाउन में ही बैठी रही क्योंकि उसमें सोने की हिम्मत नहीं थी, वो चिंता में थी। Towards 7 o'clock her husband returned. He had found nothing. 7 बजे उसका हस्बैंड मिस्टर लुसेल वापस आया और उसे मटिल्डा का नेकलेस कहीं भी नहीं मिला था।
He went to the police and the cab officers and put an advertisement in the newspapers offering a reward. नेकलेस ढूंढने के लिए उन्होंने क्या क्या एफर्ट किए, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, कैब ऑफिस में भी गए ताकि हो सकता है किसी कैब ड्राइवर ने नेकलेस ऑफिस में डिपॉजिट करवा दिया हो, और साथ ही साथ उन्होंने एक मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई न्यूज़पेपर में कि अगर कोई भी उस नेकलेस को उन्हें वापस देगा तो वो उसे एक इनाम देंगे। अब दोनों मुसीबत में पड़े हुए थे क्योंकि उन्हें ये नेकलेस मैडम फॉरेस्टर को वापस करना था, ये किसी और की अमानत थी और इसीलिए उन्हें ज़्यादा चिंता हो रही थी और वो उसे ढूंढना चाहते थे। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Luzil returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. Bewilderment means confusion. अब बेचारी मटिल्डा पूरा दिन confusion में थी। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि एक disaster हो चुका था। उसने फॉरेस्टियर का necklace गुमा दिया था। शाम को लुजिल घर आया, उसका face pale और colorless था क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता चला था, उसे necklace नहीं मिला था। He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. Clasp means the clutch, जिसके साथ necklace को बंद करते हैं, and dictated means recited. Mr. Lucille ने Matilda को कहा कि अपनी friend Forestier को लिख दो कि तुमसे necklace का जो lock है वो टूट गया है और तुम उसे repair करा रही हो। ऐसा अगर तुम उसे कहोगी तो हमें थोड़ा time मिल जाएगा उसे ढूंढने के लिए। और उसने एक लेटर लिखी जैसे कि उसके हस्बैंड ने उसे कहा। At the end of the week, they had lost all hope. And Luzel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. एक हफ्ता बीत गया था, उन्हें नेकलेस नहीं मिला। उन्होंने नेकलेस मिलने की सारी आशा छोड़ दी थी और सोच लिया था कि अब उन्हें नेकलेस नहीं मिलेगा। मिस्टर लुसेल अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा था और फाइनली उसने ये अनाउंस किया कि हमें इस नेकलेस की जगह एक नया नेकलेस खरीद के फॉरेस्टर को वापस देना पड़ेगा। इन अ शॉप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम्ड टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट। इट वाज वैल्यूड एट 40,000 francs। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। चैपलेट इज अ सर्कलेट, ऐसी सर्कल शेप का नेकलेस। अब वो लोग पैलेस रॉयल गए, ये हो सकता है एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी स्टोर हो। वहां पर उन्हें डायमंड का बना हुआ ऐसा ही एक सर्कुलर नेकलेस मिला जो कि उस नेकलेस से मिलता जुलता था। ये नेकलेस 40,000 francs का था और अभी उन्हें ऑफर में 36,000 francs का मिल रहा था। लुजेल पजेस्ड 18,000 francs विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। ही बोरोड द रेस्ट। ही मेड रुइनस प्रॉमिसेस, टुक मनी फ्रॉम यूसरर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। यूसरर्स आर मनी लेंडर्स। Ruinous means ऐसी promises जिससे कि वो तबाह हो गया, वो ruin हो गया, खत्म हो गया। Possessed means owned. Mr. Luzel के पास 18,000 francs थे, उसे 36,000 francs चाहिए थे total. तो बाकी के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने क्या किया, उसने पैसे borrow किए। उसने अपने आप को तबाह कर दिया, अपनी सारी चीजें लोगों को दे दी और उसके बदले में पैसे लिए क्योंकि उसे ये नेकलेस खरीदना था और फॉरेस्टर को वापस करना था। जैसे तैसे करके बेचारे ने पैसे पूरे किए। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. तो फाइनली उसने 36,000 francs इकट्ठे किए और वो ज्वेलर के स्टोर पर गया वो नेकलेस खरीदने के लिए। When Madame Luzel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, You should have returned them to me sooner, for I might have needed them. Frigid means harsh and cold. जैसे कि लुजेल को काफी टाइम लग गया था नेकलेस अरेंज करने में, मैडम फॉरेस्टियर उसके साथ थोड़ी रूड थी और उसने उसे कहा कि तुम्हें मेरा नेकलेस जल्दी दे देना चाहिए था क्योंकि हो सकता है मुझे वो चाहिए होता। मैडम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लुजेल फियर्ड शी वुड। What would she think if she should perceive the substitution? What should she say? Would she take her for a robber? Substitution means replacement. मैडम फॉरेस्टियर ने ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला और मैडम लुजेल को डर था कि अगर वो ज्वेलरी बॉक्स खोलेगी तो हो सकता है उसे पता चल जाए कि ये वो नेकलेस नहीं है जो उसने उसे दिया था, और हो सकता है कि वो ये सोचे कि मैंने चोरी की है, या हो सकता है वो मेरे साथ लड़ाई करे। तो जब उसने ज्वेलरी बॉक्स नहीं खोला, मैडम लुजेल खुश थी।
Madame Roselle now knew the horrible life of necessity. She did her part, however, completely heroically. अब मैडम रोजेल की लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया. उसकी लाइफ एकदम से बदल गई. अब उसे ये पता चला कि नेसेसिटी क्या होती है, क्योंकि अब उसके लिए अपनी ज़रूरतें पूरा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था. लेकिन उसने बहुत हिम्मत रखी, एक हीरो की तरह अपनी मुश्किलों का सामना किया. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. शी वुड पे इट. दे सेंट अवे द मेड. दे चेंज देयर लॉजिंग्स. They rented some rooms in an attic. Lodgings are residence and attic is a roof space. अब उनकी जिंदगी में बहुत सारे changes आए. ये लोग कर्जे में डूब गए थे क्योंकि इन्होंने इतने सारे पैसे borrow किए थे necklace खरीदने के लिए. उन पैसों को वापस करने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ा. उन्हें अपनी maids हटानी पड़ी. अब सारा काम मैडम लुजेल खुद करती थी. उन्हें अपनी रेजिडेंस भी बदलनी पड़ी. अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और किसी के घर की छत में कमरा किराए पर ले लिया. She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes, she washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. Odious means foul या dirty. अब मैडम रोजेल को सारे गंदे गंदे काम करने पड़ते थे जो कि वो पहले नहीं करती थी और ना ही उसे करना पसंद था. अब उसे किचन में काम करना पड़ता था. सारे बर्तन धोने पड़ते थे, सारे गंदे कपड़े धोने पड़ते थे और उन्हें सूखने भी डालना पड़ता था. तो ये सब काम करती थी वो उस घर में जहां पर वो लोग रहते थे. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. और वो क्या काम करती थी, वो घर का सारा जो रिफ्यूज यानी कि गार्बेज है उसे बाहर निकालकर बाहर स्ट्रीट में रखा करती थी. बाहर से पानी लाकर अंदर घर में रखती थी और जब बेचारी थक जाती थी तो स्टेयर्स की हर लैंडिंग के ऊपर रुककर सांस लिया करती थी. तो बेचारी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी वो पैसे वापस देने के लिए, वो डेट क्लियर करने के लिए जो कि उसे नेकलेस खरीदने के लिए लेना पड़ा. एंड क्लोथ्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रॉसर्स द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म शॉपिंग haggling to the last sou of a miserable money. Sou is a former French coin of low value. Haggling means bargaining. To bechari Madame Roselle ki zindagi bilkul badal gayi thi. A woman of the people means aam aadmi, a normal person. Ek aisa insaan jo ki kaam karta hai, worker type. To bechari Madame Roselle bhi aise hi gareeb logon ki tarah kapde pehenkar sara din काम करती रहती थी. वो सब्जी खरीदने जाती थी, मीट खरीदने जाती थी, फ्रूट खरीदने जाती थी. हर वक्त उसकी बाएं पे एक टोकरी टंगी हुई होती थी जिसके अंदर वो सारा जो शॉपिंग का सामान है वो रखती रहती थी. और उसके पास थोड़े से पैसे होते थे. मिजरेबल मनी मीन्स ऐसी मनी जो कि बहुत मेहनत से कमाई गई हो, यानी कि वो एक एक सौ बचाने की कोशिश करती थी. उसके पास इतने थोड़े पैसे थे, इतनी सारी ज़रूरतें थी कि उन सबको पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती थी. तो वो एक एक पैसा बचाने की कोशिश करती थी. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 sous अ पेज एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. मर्चेंट्स आर ट्रेडर्स. जैसे कि मैडम रोजेल इतनी मेहनत करती थी, सिमिलरली मिस्टर रोजेल भी बहुत मेहनत करते थे. वो क्या करते थे, वो डबल शिफ्ट में काम करते थे. शाम को वो एक्स्ट्रा काम करते थे. अलग अलग मर्चेंट्स की जो बुक्स होती हैं अकाउंट्स की उन्हें सेट करते थे, उनमें एंट्रीज करते थे. रात को वो कॉपिंग का काम करते थे और उसके लिए वो एक पेज कॉपी करने के लिए 5 sous लेते थे. और दोनों की जो मेहनत है ये 10 साल तक चली और 10 साल में उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए कि उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया. रिस्टोर्ड ऑल मीन्स जब उन्होंने कर्जा वापस कर दिया तो अब उनकी जिंदगी एक बार फिर से वैसी ही हो गई जैसे पहले थी. किस टर्म में, कि अब उनके ऊपर कोई डेट नहीं था. मैडम रोजेल सीम्ड ओल्ड नाउ. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. अब इन 10 years में मैडम रोजेल बदल गई थी. वो अब बूढ़ी सी हो गई थी, वो बहुत ही स्ट्रांग हो गई थी और उसकी लुक्स, उसकी अपीयरेंस एकदम चेंज हो गई थी. अब वो एक प्रिटी वुमन नहीं रही थी,
वो एक गरीब सी वुमन बन गई थी जो कि बहुत ही रफ थी और बहुत ही मेहनत मुशक्कत करने वाली थी। तो इन 10 साल में आप देखेंगे मैडम रिजेल एकदम चेंज हो गई थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मैडम रिजेल पहले थी, नखरे करती थी, हर वक्त दुखी रहती थी, हर वक्त उसके अंदर इतनी सारी डिजायर्स चलती रहती थी, उनको पूरा करने के लिए जब उसने किसी से नेकलेस बोरो किया और उसे घुमा दिया, तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आ गया जिसकी वजह से वो एकदम से चेंज हो गई। Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. Awry means dirty, untidy, pail is a bucket. अब मैडम रिजेल कैसी हो गई थी? उसके बाल भी बैडली ड्रेस थे, शैबी थे, उसकी स्कर्ट्स भी अनटाइडी थी, उसके हाथ हमेशा लाल हुए रहते थे, सूजे रहते थे, क्योंकि वो हमेशा अपने हाथों से बहुत काम करती रहती थी। वो बहुत जोर जोर से बोलने लग गई थी और हर वक्त फर्श साफ करती रहती थी, बड़ी बड़ी बाल्टियां उठा। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स ऑफ दैट बॉल वेयर शी वाज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड मीन्स प्रेस्ड। कभी कभी जब मैडम रिजेल फ्री होती थी, वो अपना काम कर लेती थी और उसका हस्बैंड अभी ऑफिस पे होता था, तो फ्री टाइम में वो खिड़की के साइड पर बैठ जाती थी और अपने पुराने टाइम को याद किया करती थी। वो टाइम जब वो पार्टी में गई थी जहाँ पर वो बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी ड्रेस बहुत प्रिटी थी और सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, तो वो अपने उन टाइम्स को याद किया करती थी। हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस? Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. अब यहाँ पर हमें अपना लेसन मिल रहा है जो कि मैडम रिजेल ने भी सीखा। क्या लेसन है? वो ये सोचती है कि अगर उस दिन उसने वो नेकलेस ना घुमाया होता तो आज उसकी जिंदगी कैसी होती, बिल्कुल डिफरेंट होती। फिर वो सोचती है किसे एक पता है कि जिंदगी कब कैसे बदल जाती है, लाइफ कितनी सिंगुलर है। सिंगुलर मीन्स कोई भी एक हादसा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और या तो वो आपकी जिंदगी को रुइन यानी कि तबाह कर सकता है या उसे बचाकर अच्छा बना सकता है। तो कोई भी एक छोटा से छोटा इंसिडेंट आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर सकता है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द शॉन्ज़ेलीज़ टू रिड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक She suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. Perceived means saw. Champs-Élysées एक बहुत ही famous street का नाम है, ये Paris में located है। एक Sunday, Madame Loisel Champs-Élysées में सैर कर रही थी। वो पूरे हफ्ते की मेहनत से बहुत दुखी थी और इसलिए थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वहाँ गई हुई थी। तभी उसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा। वो एक छोटे से बच्चे के साथ वहाँ पर घूम रही थी। वो आज भी बहुत ही सुंदर, जवान और अट्रैक्टिव लग रही थी। मैडम रिजेल वॉज अफेक्टेड। शुड शी स्पीक टू हर? यस, सडनली। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल। व्हाई नॉट? शी अप्रोच्ड हर। गुड मॉर्निंग जॉन। मैडम रिजेल ने जब फॉरेस्टियर को देखा तो वो उससे बात करना चाहती थी। उसने सोचा कि क्या मैं इससे बात करूं, तो उसने सोचा हाँ, अब तो मैंने नेकलेस भी वापस कर दिया, उसका डेट भी वापस कर दिया, इसलिए अब मैं फॉरेस्टियर को सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। फिर वो फॉरेस्टियर के पास गई और उसने उसे कहा गुड मॉर्निंग जॉन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज। She stammered, but madam, I do not know you, must be mistaken. Astonished means shocked. Madam Forestier बहुत हैरान थी कि ये आम सी लेडी उसे पहचान रही है, उसे विश कर रही है, लेकिन वो तो ऐसे किसी भी कॉमन से इंसान को नहीं जानती, और इसलिए उसने घबरा कर उसे कहा कि मुझे लगता है आपको गलती लगी है, मैं आपको नहीं जानती। No, I am Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda, how have you changed? जब Matilda ने John Forestier को बताया कि मैं Matilda Loisel हूँ, तो वो shocked थी। उसने कहा,
ओह माय गॉड, तुम तो एकदम बदल गई हो, तुम्हें क्या हो गया? यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? तो मटिल्डा ने जॉन को कहा कि हाँ, जब से मैं तुम्हें मिली थी, जब से मैंने तुम्हें नेकलेस वापस किया, तब से मैं बहुत ही मुश्किल भरे दिनों से गुजर रही हूँ, सब तुम्हारी वजह से। फॉरेस्टर ने कहा, मेरी वजह से? ऐसा कैसे? क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल? यस, वेरी वेल। तो मटिल्डा ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए? तो फॉरेस्टर ने कहा, हाँ मुझे याद है। मटिल्डा ने कहा, वेल आई लॉस्ट इट, हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न्ड इट टू मी? मटिल्डा ने कहा कि मैंने वो नेकलेस गुमा दिया था, लेकिन जॉन ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो नेकलेस मुझे वापस कर दिया था। आई रिटर्न्ड अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। You can understand that it was not easy for us who have nothing, but it is finished and I am decently content. Content means to be satisfied. Matilda ने अपनी friend को ये कहा कि वो necklace गुम गया था और मुझे वैसा same necklace खरीदना पड़ा। उस necklace के पैसे पूरे करने के लिए हमें 10 साल लग गए क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब वो सारा कुछ फिनिश हो चुका है क्योंकि अब हमने नेकलेस भी तुम्हें वापस दे दिया और उसके पैसे का जो कर्ज था वो भी चुका दिया और अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि अब मेरी आत्मा पे कोई बोझ नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट। शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। जॉन फॉरेस्टर बहुत हैरान थी। उसने कहा कि तुम्हारा ये मतलब है कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा और मेरा पुराना नेकलेस की जगह मुझे एक नया डायमंड नेकलेस दिया? मटिल्डा ने कहा, हाँ। परसीव मींस आइडेंटिफाई। वो कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं पता चला क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे ही थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओह माय पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। Touched means saddened, बहुत ही दुखी हो जाना। जब मटिल्डा ने फॉरेस्टर को ये बताया कि दोनों नेकलेस दिखने में एक जैसे थे इसलिए उन्हें पता नहीं चला होगा कि उसने उन्हें दूसरा नेकलेस वापस किया है, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि हाँ, अगर उसे नेकलेस गुम भी गया तो उसने नया नेकलेस लेके उन्हें वापस कर दिया। लेकिन जॉन फॉरेस्टर बहुत दुखी हो गई और उसने मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और उसे कहा, अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरे नेकलेस के हीरे तो नकली थे। तो वो क्या कहती है कि तुमने मेरे नकली हीरों के नेकलेस के बदले में मुझे असली हीरों का नेकलेस दिया जो कि इतना महंगा था, जिसके पैसे चुकाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि मेरा नेकलेस तो आर्टिफिशियल था, नकली था, उसके हीरे असली नहीं थे तो उसकी वैल्यू तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन मटिल्डा को ऐसा नहीं पता था कि जॉन का नेकलेस नकली है, उसे तो लगा कि जॉन का नेकलेस असली है, असली हीरो का बना हुआ है, जिसे रिप्लेस करने के लिए उसने इतना बड़ा डेट लिया और सारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि जो चीज हमारे पास है, हमारी अपनी है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। ऐसे किसी से अगर आप चीज बोरो कर लें और कल को आपसे वो चीज गुम जाए, आपको नहीं पता कि उस चीज की वैल्यू क्या है, लेकिन आप वैसी ही चीज उसे वापस देना चाहेंगे और हो सकता है उसे वापस करने के चक्कर में आप भी मटिल्डा की तरह सफर करें। They were not worth over 500 francs. Further, Forestier मटिल्डा को कहती है कि मेरे नेकलेस की वैल्यू 500 francs से ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 500 francs। और मटिल्डा ने जो उसे नेकलेस वापस दिया था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 36,000 francs। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है दोनों में। अब मटिल्डा को तो नहीं पता था ना कि फॉरेस्टियर के नेकलेस की वर्थ कितनी है, उसे तो लगा कि वो असली हीरों का हार है और ऐसा ही हार उसने खरीद के उसे वापस दे दिया और पूरी जिंदगी उसके पैसे चुकाने के चक्कर में सफर करती रही। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन हमें देती है। आई होप दिस लेसन इज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंग्लिश अकेडमी।